अनुराग बसु ने 2003 में आई मूवी साया से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ 2 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 15 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2004 में अनुराग बसु की मूवी आई हत्या। इस मूवी का बजट 5 करोड़ रहा। भारत में कमाई 22 करोड़ 28 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 22 करोड़ 49 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल इनकी एक और मूवी आई तुमसा नहीं देखा। इस मूवी का बजट 7 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 92 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 3 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2006 में अनुराग बसु की मूवी आई गैंगस्टर। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 50 लाख रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 17 करोड़ 93 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेम हिट रही। 2007 में अनुराग बसु की मूवी आई लाइफ इन ए मेट्रो। इस मूवी का बजट 9 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 22 करोड़ 9 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 24 करोड़ 45 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेम हिट रही। 2010 में अनुराग बसु की मूवी आई काइट्स। इस मूवी का बजट 82 करोड़ रहा। भारत में कमाई 65 करोड़ 37 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 86 करोड़ 33 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2012 में अनुराग बसु की मूवी आई बर्फी। इस मूवी का बजट 50 करोड़ रहा। भारत में कमाई 143 करोड़ 4 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 174 करोड़ 73 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2017 में अनुराग बसु की मूवी आई जग्गा जासूस। इस मूवी का बजट 131 करोड़ रहा। भारत में कमाई 69 करोड़ 31 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 86 करोड़ 85 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2023 में अनुराग बसु की आने वाली मूवी आशिकी 3 और मेट्रो इन डीनो मूवी है। दोस्तों, आपको अनुराग बसु की कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।